हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं 2 मीटर कपड़ों से सेमी पटियाला पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। और इसके पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें कपड़े को इस तरह से खोल लेना है और इसको इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे। लेंथ वाइज इसको फोल्ड कर लेना है, यानी लंबाई से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरह से चौड़ाई से इसको फोल्ड करना है, यानी विड्थ से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, 4 पार्ट में ये हो गया है, यानी कपड़ा हमारा 4 पार्ट में है और ये इसका ओपन साइड है और ये 4 पार्ट में है और इधर से भी ये ओपन साइड है और इधर से ये फोल्डेड वाली साइड है और इधर से भी ये फोल्डेड वाली साइड है। अब देखिए, अब हम ये ओपन साइड से हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो देखिए, जितना भी आपका लेंथ है उसमें 6 इंच का माइनस करना है, क्योंकि 6 इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा, इसलिए हमें 6 इंच माइनस कर देना है और जितना आएगा उसमें 1 इंच प्लस करना है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में लेंथ है 38 इंच, 38 में अगर मैं 6 इंच माइनस करूँगी तो आएगा 32 इंच और 32 में 1 इंच मुझे प्लस करना है तो आएगा मेरा 33 इंच, यानी 33 इंच। तो मैं यहाँ पर 33 इंच में निशान लगाऊंगी, यानी कि जितना भी आपका लेंथ है उसमें 6 इंच माइनस करना है और जितना है उसको 1 इंच प्लस करना है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर पोंचा का निशान लगाएंगे, यानी जितना भी आपका पोंचा है उसको 2 से डिवाइड करना है और जितना आए उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में 12 इंच का मेरा पोंचा है तो उसका हाफ 6 इंच आया और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए रखना है, तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर निशान लगाया इस तरीके से। अब देखिए, अब हम इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इस निशान से इस कॉर्नर तक इसका सेंटर निकालना है। तो टैप को हम इस तरीके से रखेंगे और इस टैप को फोल्ड करके उसका सेंटर में हम निशान लगा लेंगे इस तरह। तो ये जो सेंटर है ये करीब 16.5 इंच करीब आया है दोनों तरफ से, इधर भी 16.5 इंच और इधर भी 16.5 इंच। अब देखिए, ये जो निशान है और ये जो हमने 7 इंच का निशान लगाया पोंचा का, यहाँ पर हमें इस दोनों निशान को हमें जॉइंट कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए, ये निशान हमने लगा लिया है। अब देखिए, अब ये जो हमारा पोंचा का निशान है ये इससे अंदर की ओर, यानी फोल्डेड वाली साइड की तरफ हमें 2 इंच का निशान एक लगाना है, यानी अंदर की तरफ हमें 2 इंच का निशान लगाना, बाहर की तरफ नहीं लगाना है बल्कि अंदर की तरफ हमें 2 इंच का निशान इस तरीके से लगा लेना। अब इस निशान को हम इस तरह सीधा कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका हिप है उसको 3 से डिवाइड करना है और जितना भी आए उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो जैसे कि मेरे मेजरमेंट में मेरा हिप है 36 इंच, यानी 36 इंच, तो मैं उसे 3 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 12 इंच और 1 इंच उसमें हमें प्लस करना है तो आएगा 13 इंच। अब 13 इंच में हम 6 इंच माइनस कर देंगे। 6 इंच इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि वो 6 इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर 6 इंच माइनस करने से मेरा आएगा 7 इंच। अब 7 इंच में 1 इंच हमें और प्लस करना है वो मार्जिन के लिए, क्योंकि दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाएगा तो इसलिए हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 8 इंच। पर 8 इंच का हमें आसन चाहिए। तो देखिए, यानी कि जितना भी आपका हिप है उसको 3 से डिवाइड करना है और जितना भी आए उसमें 1 इंच प्लस करना है। प्लस करने के बाद आप उसमें से 6 इंच माइनस कर दे और माइनस करने के बाद जितना भी आए उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो फार्मूला अगर समझ नहीं आए तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, फार्मूला मैं डाल दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर आसन, यहाँ पर हमारा 8 इंच का चाहिए तो यहाँ पर मेरा कपड़ा छोटा पड़ रहा है तो हमें यहाँ पर जॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, 3 इंच का करीब यहाँ पर जॉइंट हमें लगाना होगा। तो ये मेरा कुर्ती का कपड़ा है, अगर आपके पास कोई भी कपड़ा हो मैचिंग का या फिर कुर्ती का तो आप उसको इस तरह से जॉइंट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 इंच का हमें कपड़ा चाहिए जॉइंट के लिए तो 1 इंच उसमें हमें प्लस करना है, यानी जितना भी आपको जॉइंट करने के लिए कपड़ा चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर ले, क्योंकि दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा, ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी हमारा हाफ हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा, तो इसलिए हमें 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है। मैं यहाँ 4 इंच का कपड़ा ऐड करूँगी इसमें। अब हम इसको इस तरीके से हम मेजर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए, ये करीब 14 इंच करीब यहाँ पर आया है तो हमें 14 इंच का कपड़ा चाहिए,
तो इस तरीके से हमें कपड़े को रख लेना तो है। कपड़े को हमें अच्छे से एडजस्ट करके रख लेना है। तो ये देखिए 14 इंच का ये आ गया है। अब यहाँ से हम इसको कट लगा लेंगे और कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो, और यहाँ से ये जो फोल्डेड वाली साइड है इसको कट लगा लेंगे। यानी कपड़ा हमें 4 पार्ट में चाहिए। और देखिए अगर आपका जो फैब्रिक है उसका चौड़ाई अगर कम है तो आप कैसे रखें। देखिए कपड़े को आपको 4 पार्ट में उसको रखना है और उसको जितना भी आए वहाँ से कट कर ले। तो इस तरीके से भी आप उसको रख के कट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो फैब्रिक है वो उसका चौड़ाई काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को कट कर लिया है और इसका चौड़ाई हमें यानी आसन का चौड़ाई हमें 8 इंच का चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा हमें चाहिए मार्जिन के लिए। तो ये देखिए 9 इंच का ये हमारा यहाँ पर आया। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये हमारा अब 4 पार्ट में है। तो इसका ये जो कपड़ा है ये भी हमें 4 पार्ट में ही लेना है। तो ये देखिए ये 9 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर कम ना हो। अब जो ये हमारा जॉइंट है इसको हम कट कर लेंगे। तो ये जो हमारा फोल्डेड वाला साइड है इसको भी कट कर लेना है और ये फोल्डेड वाले साइड को भी कट कर लेना है। तो ये देखिए ये हमने कटिंग कर लिया है और ये 4 पार्ट में आया है। तो यानी हमें 4 पार्ट में इसको रखना है। अब देखिए अब हम इसका कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो निशान है इसको हमें कटिंग नहीं करना है। तो यहाँ से हमें कटिंग करना है इस तरह और यहाँ से इस तरह से कटिंग करना है। तो ये देखिए इस पार्ट को हमने कटिंग कर लिया। अब हमें ये जो निशान लगाया है इसको भी कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये हमारा थोड़ा सा कपड़ा बचा है तो इसको हम पोंचा सिलने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो अब देखिए ये जो जॉइंट है यानी फोल्डेड वाली साइड को भी हमें कटिंग कर लेना है। देखिए अब हम इसको जॉइंट करेंगे बड़े वाले कली के साथ। तो हमें इसको इससे उठाना नहीं है, हम इस तरह पलट लेना है। इसको इस तरह से पलटते हुए हमें सीधी साइड को सीधी साइड से इस तरह से मिलाएंगे और फिर इन दोनों को हमें अटैच करेंगे। मैं आपको और एक बार दिखाती हूँ। तो देखिए हमें छोटे वाले पार्ट को उठाना नहीं है यानी पलटना नहीं है, इस तरह से घुमाते हुए हमें सीधी साइड को सीधी साइड से मिलाना है। देखिए अब जॉइंट के लिए जो हमने स्ट्रिप ये रेडी किया था ये 4 पार्ट में है। अब ये जो छोटे वाली कली है इसको एक पार्ट को हमें इस तरह से उठाना है और सीधी तरफ करके रख लेना है। और छोटे वाले जो स्ट्रिप है उसको सीधा तरफ यानी दोनों पार्ट का सीधा तरफ एक दूसरे के सामने करते हुए इस तरह रख लेना है और इस तरह से हमें इन दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। और ऐसे बाकी जो छोटे वाले कली है उन सबको हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने अटैच कर लिया है, चारों छोटे कली को हमने अटैच कर लिया है। ये छोटे वाली कली हमारे 4 पार्ट में रहेंगे और बड़ी वाली कली हमारी 2 पार्ट में रहेंगे। अब देखिए अब ये छोटे वाली कली में से एक कली को इस तरह रखना है सीधी तरफ करते हुए और एक कली हम उल्टी तरफ करते हुए इसको ऊपर रखेंगे। यानी दोनों कली को एक दूसरे के सामने सीधी तरफ करते हुए होनी चाहिए और फिर ऐसे ही हम बाकी दोनों जो कली है इन दोनों कली को भी हम दोनों का सीधी तरफ एक दूसरे के सामने करते हुए हम इस तरीके से रख लेंगे। तो इस तरीके से हमें छोटे वाली कली को रखना है। तो अब देखिए ये जो दोनों कली का सीधी साइड है एक दूसरे के सामने करते हुए रखना है और ये जो थोड़ा सा कपड़ा बड़ा लग रहा है इसको हम इस तरीके से मार्क करके इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने कटिंग कर लिया इसका। तो ये 4 पार्ट में आया है छोटे कली और ये बड़े कली जो है ये 2 पार्ट में है। ये देखिए अब देखिए दोनों कली में से हमें एक कली को लेना है सीधी तरफ करते हुए, हमें एक कली को इस तरह रख लेना है और छोटे वाली कली में से 2 कली को हमें इस तरीके से ले लेना है। और देखिए अब हम इन दोनों कली को जॉइंट कैसे करेंगे। तो दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के सामने करते हुए होना चाहिए इस तरह और दोनों की सीधी साइड एक दूसरे के सामने इस तरह से रखना है। या फिर मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा देती हूँ। देखिए दोनों छोटे वाले कली को दोनों तरफ इस तरह रख लेना है और तीनों कली का सीधी तरफ ऊपर की ओर होना चाहिए। छोटे वाली कली को इस तरह से उठाएंगे और बड़े वाली कली को ऊपर रखेंगे इस तरह से।
और दोनों के सीधी तरफ एक दूसरे के सामने होने चाहिए और इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह दूसरे छोटे वाली कली को भी हम इस तरीके से उठाकर बड़े वाले कली के ऊपर रखेंगे। दोनों के सीधी तरफ एक दूसरे के सामने होने चाहिए और दोनों को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों कली को बड़े वाले कली के साथ ज्वाइंट कर लिया है, ये देखिए। और इसी तरह मैंने दूसरे पार्ट को भी छोटे वाली कली के साथ ज्वाइंट कर लिया है, ये देखिए। तो देखिए इसका घेर हम देखते हैं कितना आया है। तो ये देखिए यहाँ से मैं और इसको अगर यहाँ से मेजर कर रही हूँ तो ये करीब 68 इंच आया है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी घेर आने वाला है। तो इस तरह से अगर हम कटिंग करते हैं तो इसमें काफ़ी घेर आता है। अब देखिए अब हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे। तो प्लीट्स डालने के पहले हमें यहाँ पर कमर का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए जितना भी आपका कमर है उसमें 4 इंच प्लस करना है और जितना भी आए उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि हमारा जो ये पार्ट है ये 2 पार्ट में है। ये देखिए बड़ा वाला पार्ट 2 पार्ट में है, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो मेरे मेजरमेंट में कमर है 36 इंच और उसमें अगर मैं 4 इंच प्लस करूंगी तो आएगा 40 इंच। अब 40 इंच को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 20 इंच। तो यहाँ एक पाव में हमारा 20 इंच का प्लीट्स आएगा, यानी दोनों पाव में 40 इंच का प्लीट्स हमारा आएगा। अब हम प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई के लिए आधा इंच का मार्जिन छोड़कर उसके बाद ही प्लीट्स को डालना है। और प्लीट्स का मुँह देखिए आसन की तरफ होना चाहिए। इस तरह से प्लीट्स को हम आसन के तरफ मुंह करते हुए हम प्लीट्स को डालेंगे, यानी फ्रंट पार्ट के तरफ। यहाँ पर जितना हमारा प्लीट्स आएगा सारे प्लीट्स का मुंह जो होगा वो हमारा आसन के तरफ होना चाहिए, यानी फ्रंट पार्ट की तरफ, इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूरे में प्लीट्स को डाल देना है। तो ये देखिए प्लीट्स को मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ गेप है, यहाँ पर प्लीट्स नहीं आए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर प्लीट्स ना होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसको मेज़र कर रही हूँ तो ये टोटल यहाँ पर 20 इंच का ही आया है। अगर 20 से ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कम ना हो तो। और देखिए सिर्फ ये ध्यान रहे कि प्लीट्स का जो मुंह है वो हमारा आसन की तरफ होनी चाहिए, यानी फ्रंट पार्ट की तरफ। तो देखिए अब हम दूसरे पार्ट को भी यहाँ पर प्लीट्स लगाएंगे। तो जैसे कि हमारा इस पार्ट में आसन की तरफ मुँह करते हुए है प्लीट्स, दूसरे पार्ट को भी हम आसन की तरफ मुंह करते हुए प्लीट्स को लगाएंगे। इस तरह से आसन की तरफ मुंह करते हुए होनी चाहिए प्लीट्स। और इस तरह से हम प्लीट्स को डाल देंगे। इस तरह से हमें टोटल यहाँ पर प्लीट्स को डाल देना है। ध्यान रहे कि आसन की तरफ मुंह करते हुए होनी चाहिए। ये देखिए दोनों का मुंह हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ यानी आसन की तरफ है। देखिए अब हम इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो हमें ये जो फ्रंट पार्ट है आसन वाला वहाँ से जॉइंट नहीं करना है, ये बैक पार्ट जो है हमारा उसको जॉइंट करना है। यानी इस तरह से हम दोनों पार्ट को रख लेंगे। इस तरह से दोनों के सीधी तरफ एक दूसरे के सामने करते हुए रख लेना है। और ये देखिए ये जो बैक पार्ट है इसको हमें सिलाई करना है, यानी बैक पार्ट को हमें सिलाई करना है, जो फ्रंट पार्ट है उसको सिलाई नहीं करनी है, ये फ्रंट पार्ट को नहीं सिलना है। तो ये देखिए हमने बैक पार्ट को सिलाई कर लिया है और ये फ्रंट पार्ट हमारा ओपन है। अब देखिए अब हम ऊपर में बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए जितना हमारा इसका कमर है यानी 40 इंच का ये हमारा कमर है, तो यहाँ पर हम बेल्ट भी 40 इंच का ही रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेल्ट के लिए मैंने इसी पैंट की जो कुर्ती का कपड़ा था उसको यूज़ किया है। आपके पास जो भी कपड़ा हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पैंट का कपड़ा 2 मीटर है तो इसलिए अच्छे घेर के लिए हमें यहाँ कपड़ा एक्स्ट्रा ज्वाइंट करना होगा। तो देखिए इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा पैंट का घेर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है और ऊपर में जो हम ज्वाइंट कर रहे हैं अलग सा कपड़ा वो हमारा कुर्ती के अंदर रहता है, वो पता भी नहीं चलता है कि हमने कौन सा कपड़ा यूज़ किया है। तो देखिए अब हम यहाँ पर बेल्ट का जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 40 इंच, क्योंकि हमारा कमर यहाँ पर 40 इंच का है। और देखिए जो बेल्ट का चौड़ाई है वो हमें रखना है 8 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा दोनों को जॉइंट करने में और 1.5 इंच ऊपर जो हमारा नेफा के लिए फोल्ड होता है उसके लिए जाएगा। तो यानी 1/2 इंच हमारा सिलाई में, 6 इंच हमारा बेल्ट के लिए रहेगा और 1.5 इंच हमारा नेफा के लिए रहेगा जो हम डोरी लगाते हैं उसके लिए। तो इस तरह से हमें इसका बेल्ट का चौड़ाई रखना है। अब देखिए अब हम बेल्ट को और जो पेंट का जो कपड़ा है इन दोनों पार्ट को हमें सिलाई करके जॉइंट करना है। तो दोनों को सीधी तरफ एक दूसरे के सामने करते हुए होनी चाहिए और एक किनारे से इस तरह से करते हुए हमें सिलाई को इस तरह से एंड तक सिलाई कर लेनी है। तो देखिए दोनों पार्ट को हमने जॉइंट कर लिया है
सिलाई करके। अब देखिए, अब हम आधा इंच पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर एक इंच का फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस तरह से हमें पूरे में प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से हमारा सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आधा इंच फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखिए, अब जो ये कॉर्नर है, ये जो हम नाड़ा डालते हैं उसको फोल्ड करके सिलाई करना है, हमें ट्राइंगल करके फोल्ड करना है और फिर एक इंच को फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। तो मैं आपको और एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए, एक इंच का फोल्ड हमारा होगा, तो पहले यहाँ पर इस तरह से हमें ट्रायंगल करके फोल्ड करना है और फिर एक इंच का फोल्ड करेंगे और एक स्ट्रेट सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा लेती हूँ ताकि ये खुले ना। तो इस तरह हमें सिलाई कर लेनी है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक इंच का इस तरह फोल्ड करेंगे और किनारे से हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सिलाई लग चुकी है। अब देखिए, अब हम इन दोनों आसन को हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें एक दूसरे के सामने सीधी तरफ करते हुए रख लेना है। और याद रहे, ये जो हमने नाड़ा डालने के लिए यहाँ पर सिलाई लगाया है उसको नहीं सिलना है, यानी उसको जॉइंट नहीं करना है। वहाँ पर हम थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए उसके बाद हम इस तरह से सिलाई करेंगे। वहाँ पर नाड़ा डालने के लिए हम जगह छोड़ देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है और यहाँ पर हमने नाड़ा डालने के लिए जगह छोड़ दिया है। तो अब हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए, अब हम पैंट का जो मोहरी है यानी बॉटम को सिलाई करेंगे। तो जितना बॉटम का चौड़ाई है उसी हिसाब से हम यहाँ बुकरम को लेंगे। तो यहाँ पर बुकरम का दो टुकड़ा लेना है, दो पिच लेना है और दो स्ट्रिप कपड़े का लेना है इस तरह। और देखिए, बुकरम को हम कपड़े के ऊपर इस तरह से रख लेंगे, यानी स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे। और देखिए, जो स्ट्रिप का चौड़ाई है यानी एक इंच ज़्यादा लेंगे नीचे की तरफ आधा इंच और ऊपर की तरफ आधा इंच फोल्ड करके सिलाई करने के लिए। और बुकरम यहाँ पर मैंने सवा एक इंच करीब यहाँ पर लिया है और एक इंच ज़्यादा मैंने स्ट्रिप को लिया है। और दोनों अब बुकरम को और कपड़े को इस तरह से प्रेस करके जॉइंट कर लेना है। तो देखिए, अब हम जो पैंट का जो कपड़ा है उसको उल्टी तरफ करके रखना है और बुकरम वाले पार्ट को सीधी तरफ करते हुए रखना है और दोनों को इस तरह से अटैच कर लेंगे। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पैंट का जो कपड़ा है उसको सीधी तरफ करके रखें और जो बुकरम वाला कपड़ा है वो उल्टा करके रखें, यानी दोनों को सीधी तरफ एक दूसरे के सामने करते हुए और उसको इस तरह से सिलाई करते हुए जोड़ लेना है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करना है, बुकरम के किनारे से हमें इस तरह से सिलना है। आप अपने हिसाब से जैसे भी आप बॉटम को सिलाई करना चाहते हैं उस तरह से सिलाई कर सकते हैं। जैसे भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे सीधी तरफ करके इस तरह से, और इसको इस तरह से नाखून से हल्का दबा लेंगे और जो हमने आधा इंच का कपड़ा छोड़ा है उसको फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और इसके बीच में दो तीन सिलाई लगा लेंगे या फिर आप जिगजैग वाली सिलाई भी लगा सकते हैं, अपने जैसे भी आपको आसान लगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दो तीन सिलाई लगाया है इस तरह से। तो बॉटम का सिलाई हो गया है। अब देखिए, आसन का जो जॉइंट है उसको अच्छे से मिलाते हुए हमें बॉटम से सिलाई कर लेना है इसको, और इनर लेग को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए, पैंट का सिलाई हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम कटिंग करके सिलाई करते हैं तो हमारा पैंट का घेर काफ़ी अच्छा आता है। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।